हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा रॉयल एनफील्ड व्हीकल रिकॉल के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड ने जो है हाल ही में लगभग 2.37 लाख बाइक्स को जो है वो रिकॉल किया है, बाइक्स को रिकॉल किया है। तो ये रिकॉल का क्या मीनिंग होता है और रॉयल एनफील्ड ने क्यों रिकॉल किया और रिकॉल पॉलिसी क्या है इंडिया में, वो क्या बोलती है व्हीकल रिकॉल पे, तो इस सारे के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी जो मॉडल्स हैं वो हैं आपका बुलेट, मिटियोर एंड क्लासिक। सो ये तीन जो मॉडल हैं, बुलेट, मिटियोर और क्लासिक, ये तीन मॉडल जो है रॉयल एनफील्ड ने रिकॉल करे हैं। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी जिनकी आपकी दिसंबर 2020 टू अप्रैल 2021, जो भी बाइक्स इन तीनों मॉडल की दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच जो मैन्युफैक्चर हुई है उनको रॉयल एनफील्ड ने रिकॉल करने के लिए बोला है। और उनमें जो इशू है वो इग्निशन कॉइल का इशू है। इसके ऊपर मैं एक जल्दी नई वीडियो बनाऊंगा। तो इग्निशन कॉइल का इशू है जिसकी वजह से जो इंजन में है मिसफायर हो रहा है बहुत बार, या फिर जो बाइक्स है वो टोटल परफॉर्मेंस नहीं दे रही है और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है जो कंपनी बोल रही है उसमें अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने व्हीकल लिया है और वो इस डेट के बीच है तो आपको पता कैसे लगेगा, वो VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो आपके पास होता है और कंपनी के पास भी होता है। तो कंपनी जो है अपने डीलर को कांटेक्ट करेगी, ये हमारे पास कंपनी है। तो ये रिकॉल प्रोसेस काम कैसे करता है अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो ये समझ आ गया हमें रॉयल एनफील्ड ने 2.37 लाख व्हीकल्स रिकॉल करे हैं जिसमें बुलेट है, मिटियोर है और क्लासिक उनके मॉडल हैं। उनमें जो दिक्कत है वो इग्निशन कॉइल की है। और ये और भी कंट्रीज को एक्सपोर्ट हुई है, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और भी दो तीन कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट हुई है। तो ये हमारी कंपनी है, कंपनीज है ये जिस भी चैनल के थ्रू जो आपका डीलर है जिसे आपने परचेज करी है। तो ये कंपनी है और ये आप कस्टमर है, तो यहां डीलर है। तो कंपनी जो है वो डीलर को लिस्ट भेजेगी, कंपनी के पास पूरी लिस्ट होती है कंपनी किसको कितना एक्सपोर्ट हुआ और किस डीलर को किस डेट के बीच बनी हुई बाइक्स एक्सपोर्ट हुई थी। और वो कस्टमर को कॉन्टेक्ट करेंगे और कस्टमर को बोलेंगे कि बाइक को डीलरशिप पे लेके आए और वहां पे वो ठीक करेंगे, या अगर वो ठीक होने लायक होगी तो कंपनी, अगर वो पार्ट चेंज होना होगा तो कंपनी पार्ट चेंज करेगी ये इग्निशन कॉइल, नहीं तो उसको ओके करके वापस नोट कर लेगी कि आपकी बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी का एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट जो 10% सोल्ड व्हीकल्स हैं इसमें से 2.37 में से, उसमें से सिर्फ 10% व्हीकल में जो है इग्निशन कॉइल चेंज होगी और बाकी में जो है नॉर्मल कोई फॉल्ट नहीं है। बस वो एक करेक्शन है कि कंपनी चेक कर रही है कि व्हीकल आपका ठीक है। तो ये रहा रॉयल एनफील्ड का केस। अब हम देखते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम न्यूज में देखते रहते हैं रिकॉल या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज पे क्या बोलते हैं। तो 2019-20 में भी ऑलमोस्ट 1.32 लाख व्हीकल्स जो थी आपकी मारुति सुजुकी वैगन आर थी 1.1 लीटर पेट्रोल और आपकी बलेनो थी और उसी में टोयोटा ग्लांजा भी थी। और अगर और भी डिटेल्स चाहिए वो प्रोडक्शन लाइन और तो मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा आगे, पर आपको ये पता होना चाहिए टोयोटा ग्लांजा और मारुति सुजुकी बलेनो सेम प्रोडक्शन लाइन पे बनती हैं। तो इनमें प्रॉब्लम थी फ्यूल पंप की, तो ये भी रिकॉल करी थी कंपनी ने ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में बनी थी 2019-20 के बीच। तो 1.3 लाख व्हीकल्स रिकॉल करी थी। तो ये थी सेल्फ रिकॉल जो कंपनीज करती हैं। तो इसके रिलेटेड अभी तक कोई पॉलिसी नहीं थी इंडिया में,
अगर कंपनी चाहती तो वो रिकॉल कर सकती है, अगर अगर कंपनी ना चाहे तो वो रिकॉल नहीं कर सकती और आपको अपनी गाड़ी खुद ठीक करानी पड़ती है। तो ऐसा ही 2013 में हुआ था, लीलैंड या टाटा के कुछ बड़ा मैन्युफैक्चरर है कोई, उसके ट्रक्स थे तो उनमें बहुत दिक्कत थी फ्यूल पंप में, तो जो भी ओनर्स थे उनको खुद जाके गाड़ी ठीक करवानी पड़ी थी। अब नई पॉलिसी आई है मॉर्थ की तरफ से, मॉर्थ जो है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने 2020 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आए थे व्हीकल रिकॉल पॉलिसी पे, जिसका नाम व्हीकल रिकॉल पॉलिसी ही बोल सकते हैं हम। व्हीकल रिकॉल पॉलिसी 2021, ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है ये वाली पॉलिसी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कंपनीज सेल्फ रिकॉल नहीं करती है व्हीकल्स तो उनपे 10 लाख to 1 करोड़ तक का फाइन जो है वो लगेगा। अपार्ट जो भी कॉस्ट कंपनी को बेयर करने में आएगा ये सारी चीजें ठीक करने में, उसके अलग ये जो है उनपे फाइन लगेगा 10 लाख to 1 करोड़ रुपीस का। तो ये रॉयल एनफील्ड ने जो है वॉलंटरीली रिकॉल किया है। अब मॉर्थ जो है वो एक वेबसाइट या पोर्टल बनाने जा रही है और एक अथॉरिटी बनाएगी जो इस सब चीजों पे, और ये जो भी कॉम्प्लेंट्स आती हैं इसके रिलेटेड, अगर व्हीकल ने खराबी है तो इसके जो भी रिलेटेड दिक्कत जो है वो अथॉरिटी जो है उसको, उसके पास पावर होगी उसको ठीक करने की। तो वो कंपनी या तो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है किसी कंपनी के अगेंस्ट अगर उसको कंप्लेंट्स आ रही हो, या अगर जो कस्टमर्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट को, तो अगर तब व्हीकल्स फॉल्टी पाए जाते हैं और पता है कि कंपनी को पता था कि उसे व्हीकल्स रिकॉल करने चाहिए थे लेकिन उसने नहीं करे, तो उस पे 1 लाख to 1 करोड़ तक का, 10 लाख to 1 करोड़ तक का फाइन होगा। वो डिपेंड करता है कितनी यूनिट्स खराब हैं और कितनी यूनिट्स रिकॉल करनी पड़ जाए। तो रिकॉल तो हमने समझा कि कौन सी पॉलिसी है, कितना फाइन है और कब रिकॉल होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी में दिक्कत है तो आपकी व्हीकल रिकॉल हो जाएगी, वो रिकॉल में काउंट होती है। तो रिकॉल होने के लिए 3% ऑफ 3% ऑफ एनुअल सेल्स, 3% ऑफ एनुअल सेल्स में व्हीकल में वो सेम फॉल्ट आना चाहिए अगर व्हीकल रिकॉल होती है, नहीं तो वो आपको खुद ही अपने इंश्योरेंस या नॉर्मल खुद अपना पैसा देके सर्विस करवाना पड़ेगा वो पार्ट अगर खराब हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 3% ऑफ एनुअल सेल्स जो है वो अगर कंपनी में दिक्कत है एक पर्टिकुलर मॉडल में तो कंपनी को रिकॉल करना पड़ेगा उस व्हीकल को, और रिकॉल करने के बाद ठीक करके उसको चेंज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अगर रिकॉल हो रहा है तो सारे प्रोडक्ट्स में दिक्कत नहीं होती, ऑलमोस्ट 10 to 15-20% जैसा भी कंपनी क्लेम करती है उतने ही पार्ट्स चेंज होते हैं या उनमें कोई माइनर फॉल्ट होता है। ये सारा सेफ्टी के लिए, अगर कहीं इग्निशन कॉइल है इस केस में, जैसे इग्निशन कॉइल में दिक्कत है तो अगर इससे शॉर्ट सर्किट होता है तो बाइक्स में आग लग सकती है, जो कि कोई भी अथॉरिटी जो चाहे कि इतने अनसेफ व्हीकल्स रोड पे नहीं होने चाहिए। और ये एनुअल सेल्स का, और अगर हम जाने कि कितने साल तक, अगर आपने व्हीकल लिया अभी होता है ठीक चल रहा है, नया व्हीकल लिया नया सब सही चल रहा है, लेकिन अब आपने 50,000 किलोमीटर 70,000 किलोमीटर 80,000 किलोमीटर तक चला लिया, 4-5 साल हो गए लेकिन अब दिक्कत आ रही है, और अगर आपके जानने वालों और उन्होंने भी सेम टाइम पे लिया है तो आपको लगता है कि उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो अप टू 7 years अप टू 7 years फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग रिकॉल कर सकती है कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को, तो अप टू 7 years। तो अगर जो भी पोर्टल मॉर्थ बनाएगा वो एम परिवहन या आपका वो जो भी वाहन ऐप है उसके तरह ही एक पोर्टल होगा, जहां पे आप अपने व्हीकल से रिलेटेड पूरी इंक्वायरी डालेंगे और उसमें कौन से पार्ट में खराबी है और आपको लगता है कि वो और में भी खराबी है, तो अप टू 7 years जो है आपका व्हीकल रिकॉल कर सकती है कंपनी। तो होप करता हूं मैं कि आपको ये समझ आओगा स्टार्टिंग से कि कब कंपनी रिकॉल करती है, इंडिया की रिकॉल पॉलिसी क्या बोलती है व्हीकल्स को रिकॉल करने के लिए, कितनी मिनिमम व्हीकल्स में वो सेम दिक्कत होनी चाहिए रिकॉल होने के लिए, कितने टाइम तक रिकॉल हो सकती है और कैसे रिकॉल करती हैं कंपनीज। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही और वीडियोस और टॉपिक्स पे डिटेल में देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।